नमस्कार, ओएलआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी लांजी द्वारा बेसर्च प्रतीक कृषि केंद्र कांद्रीकला का उर्वरक व्यवसाय लाइसेंस किया गया निरस्त। निरीक्षण में उर्वरक का मिला था अवैध भंडार। उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी राजेश खोबरागड़े द्वारा नियमों का उल्लंघन कर उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किए जाने के कारण किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कांद्रीकला के बैसर्च प्रति कृषि केंद्र का उर्वरक व्यवसाय लाइसेंस को आज 8 फरवरी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वहीं कृषि विकास अधिकारी वीरेंद्र काकोड़िया द्वारा 5 फरवरी 2022 को कांद्रीकला के बैसर्च प्रति कृषि केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। वहीं निरीक्षण के दौरान केंद्र में इप्को कंपनी का 2.70 मैट्रिक टन यूरिया एवं 4.5 मैट्रिक टन डीएपी तथा एनएफएल कंपनी का 8.55 मैट्रिक टन यूरिया का अवैध भंडारण पाया गया था, जिसमें मैसर्च प्रति कृषि संचालक द्वारा उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भंडारण के किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओएनआई न्यूज इंडिया।